हमारी रिफाइंड शुगर के लिए 1 किलो के, 5 किलो के और सैसे हमने बनाए हैं और उसी की लॉन्चिंग आज हमने की है। तो जो जिस तरह से शुगर मिल्स घाटे में चली हुई हैं, तो इस घाटे को मतलब कैसे उभारा जाए, इन शुगर मिल्स को घाटे से कैसा उभारा जाए, तो उसी दिशा में हमने ये जो सैसे और रिफाइंड शुगर का 1 किलो का और ये जो 5 किलो के पैक बनाए हैं, इससे क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल शुगर है उससे जो रिफाइंड शुगर है वो महंगी बिकती है। और दूसरा क्या है कि जो दूसरी जितनी भी बढ़िया कंपनी हैं उन कंपनियों के बराबर की क्वालिटी की हमारी ये शुगर है। और जो हमारे सैसे वगैरह हैं इनको अगर हम कहीं आपके रेस्टोरेंट है या आपके बड़े बड़े होटल हैं या हमारे जैसे हॉस्पिटलिटीज़ हैं इनमें इनको हम अवेलेबल करवाएंगे, और हमारा जो बिट्टा का बूथ है उन पे भी अवेलेबल कराएंगे और एफेड के बूथ पे भी करवाएंगे, बाकी मार्केट में भी इसको अवेलेबल होगा ये, और हमारे जो शुगर मिल का आउटलेट है उन पे भी अवेलेबल होगा और दूसरी शुगर मिल है उन पे भी अवेलेबल होगा। तो लोगों को एक अवेलेबिलिटी होगी तो इसका हमारा जो सेल है वो भी अच्छा बढ़ेगा। पहले क्या था कि ये 50 किलो का एक कट्टा बनाते थे तो उसको कोई लेके नहीं जा सकता, कैरी नहीं करके जा सकता। तो अब मॉल के अंदर या बड़े आपको दुकानों के अंदर अगर ये 1-1 किलो की पैकिंग मिलेगी या सैसे मिलेंगे या 5 किलो के पैकेट मिलेंगे तो इजीली कैरी कर सकता आदमी, तो इससे हमारा ये सेल भी बढ़ेगा और हमारी जो शुगर मिल्स का जो घाटा है उसकी तरफ हम पूरा करने में बढ़ेगा। मार्केटिंग में पूरा कॉम्पिटिशन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनके मुकाबले ये कम रहेगा, इसका रेट नहीं, नहीं, नहीं रेट हमारे कितना 37 कितना है वो तो मार्केटिंग कंपटीशन के हिसाब से हमारा फिलहाल तीन का रेट 8.5 के आसपास बनता है, हमारे मार्केट में 42 के आसपास अवेलेबल है। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर साहब एमडी साहब ने बताया कि जो और जो कंपनियों की जो शुगर है उनका रेट 42 के आसपास है, लेकिन हमारी इसका 37.50 या 38 के आसपास ही रहेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट वो सस्ता है तो उससे सेल हमारी अच्छी बढ़ेगी और हमें इसका फायदा होगा। क्वालिटी जी एक योजना ये भी थी कि रिफाइंड शुगर के साथ साथ फूड बनाने का भी वो अभी की हाँ वो हम इस सीजन में पलवल कैथल और आपका मैम है ना, इन तीनों शुगर मिल्स में हम आपकी गुड़ और शक्कर बनाने का शुरू करेंगे, और आगे भी अगर मान लो ये इससे कुछ हमें फ़ायदा लगेगा और अगर ये मान लो सक्सेस होता है तो हम आगे सारी शुगर मिल्स में इसको बनाएंगे। अभी ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बन रहे हैं? अभी तो ये रोहतक बन रहा है, लेकिन अगली बार से हम गोहाना में भी शुरू करेंगे। गोहाना भी हमने कह दिया है साल ट्रायल पर करेंगे और अगले साल से गोहाना में भी ये रिफाइंड शुगर बनेगी। तो ये सर जो प्रोसेस है सारा ये शुगर मिल्स को घाटे से उभारने की कोशिश आती है, और क्या प्लान है, किस तरीके से और चीज़ें नहीं करने आप जा रहे? अभी जैसे आपको बताया कि भी आपको गुड़ और शक्कर बनाएंगे, इसी तरह हम इथेनॉल अभी शाहबाद में हमारा इथेनॉल का प्लांट लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो इथेनॉल भी आपको पता ही है कि भाई इथेनॉल का रेट भी ज़्यादा है और पेट्रोल के साथ इसको मिला के बेचा जा सकता है और इससे भी हमारे को काफ़ी फायदा होगा। ये शुरू हो गया या कब तक होना? इथेनॉल तो प्लांट तो अब कंप्लीट कब शुरू कब हो जाएगा? बस 3-4 महीने लगेंगे। इस बार सिर्फ मार्च अप्रैल तक प्रोग्रेस में है, और अभी 2-3 महीने के अंदर इसको हम शुरू कर देंगे और फिर इथेनॉल प्लांट शुरू हो जाएगा, तो इथेनॉल बनेगा तो उससे भी हमारे को इससे फायदा मिलेगा। पलवल है हमारा, एक कैथल है और एक है मैम, तीन जगह। हाँ पावर भी हम बना रहे हैं, जैसे आपका शाहबाद में भी है, रोहतक में भी है और इसमें करनाल में है। अभी जो नई बन रही हमारी पानीपत और करनाल, इनमें भी हम ये बनाएंगे पावर। सर जो शुगर मिले हैं उनके उनकी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए अपग्रेड करने के लिए भी प्रोसेस चल रहा है, क्या आपने उसको लेकर के अभी एक मीटिंग भी ली है? क्या स्थिति इस वक्त शुगर मिलों की है सभी? देखो अभी हमने मीटिंग ली और सभी जैसे किसानों को बुलाया हुआ था और डायरेक्टर्स वगैरह भी थे उसमें और अधिकारी भी थे, तो हम लोगों से यही फीडबैक ले रहे थे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जैसे शुगर मिल्स का सुधार हो सके। तो जो लोगों जो किसानों ने जो हमें सुझाव दिए हैं उन सुझावों को हमने सुना है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जैसे आपका गन्ने की कोई वैरायटी है उसमें कोई रोग है
या उसका डिस्टेंस है बोने का, या जैसे मान लो उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि भाई हमारा ये शुगर मिल समय पर मतलब जो पिराई है क्रशिंग है वो जल्दी शुरू होनी चाहिए ताकि हमारा सारा गन्ना क्रश हो जाए। तो वो हमने सभी को एक महीने पहले ही मतलब डायरेक्शन दे दी थी, पिछली मीटिंग हमने शाहबाद की थी सबसे पहले, तो उसी मीटिंग में हमने एमडी साहब को भी कह दिया था और सभी जितने भी एमडी हैं उनको डायरेक्शन भी चली गई हैं कि एक नवंबर को हम क्रशिंग शुरू करेंगे। और ये भी किसानों की सबसे ज़्यादा डिमांड ये थी कि समय पर अगर क्रशिंग शुरू होती है तो हमारा सारा गन्ना पक जाएगा। और अभी हमने एक और शुरू कर रहे हैं कि 3 CO ले रहे हैं हम, आपका जो प्रोफेशनल हमारे CO होंगे उनको मतलब शुगर मिल का चलाने का अनुभव होगा और शुगर केन में ही वो एक्सपर्ट होंगे, तो उनमें हम 3 CO ले रहे हैं, एक पलवल है और एक वही मैम और असंत असंत पलवल और मैम, तीन में हम ये प्रोफेशनल CO ले रहे हैं और उनका एक एक महीने का दिया था हमारे ख्याल से। ये अच्छी नहीं, अब SCS नहीं चलाएंगे, हम प्रोफेशनल चलाएंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर से अनुभवी आदमी लेंगे ताकि उनको शुगर मिल के बारे में नॉलेज हो और ऐसे शुगर मिल को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। और जब ये तीन हम ले रहे हैं, अगर इनसे हमारे को लगेगा कि भाई इनसे सुधार हो रहा है तो बाकी शुगर मिल्स में भी हम प्रोफेशनल CO लगाएंगे। सर इनका क्या आधार है जिस तरीके से तो इनका एक्सपीरियंस है, हमारे 15 साल का रखा है हमने, बताओ जी पूरा बताओ सर। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 15 साल का एक्सपीरियंस में न्यू शुगर इंडस्ट्री का सर, 10 क्वालिफिकेशन उसकी शुगर प्रोसेसिंग की होनी चाहिए या शुगर केन साइड से होना चाहिए, इंजीनियरिंग से टेक्निकल हो सकता है, बेसिकली टेक्निकल क्वालिफिकेशन, और उसमें भी 10 साल कम से कम एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दैट ही नोज़ भी पत्नी जी, एक और आपकी महत्वाकांक्षी योजना थी वो कब तक सिरे चढ़ेगी, हरित जो स्टोर आप खोलने जा रहे थे 2000, वो 15 अगस्त पे उसको लॉन्च करना था लेकिन क्यों डिले हो रहा है? कुछ एक टेक्निकल उसमें दिक्कत है, अभी काम चल रहा है और जल्दी मुख्यमंत्री जी बड़ा इच्छुक हैं उसको जल्दी शुरू करने के लिए, तो उसको जब उसका काम मतलब पूरा हो जाएगा तो उसको जल्दी ही शुरू करेंगे। कब तक संभावित है? मतलब हम प्रयास तो 15 अगस्त का ही था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, तो जल्दी करेंगे। इसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ अगर आप सर थोड़ा प्लीज पास अगर हाँ बताओ थोड़ा प्लीज। आपने नोट किया होगा सर, एक मिनट हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन श्री रोहित यादव को सरकार ने लगाया है और 3 जनों की मेंबर्स की MDs की एक कमेटी बनाई गई है, इस वक्त पूरी त्वरित गति से उसका काम चल रहा है, उसमें सिलेक्शन हो रहा है, फ्रेंचाइजी पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें जो सिलेक्शन होगा क्योंकि वो गांवों में भी स्टोर खुलने हैं अर्बन एरियाज़ में भी खुलने हैं, तो उसकी सिलेक्शन हो रही है कौन सी एजेंसी के ज़रिए ये स्टोर बनाए जाएंगे, उनका ब्रांड नेम भी जैसे है हरित हरियाणा है जी हरियाणा रिटेल हरित, तो उसका ब्रांड नेम एक चुना गया है, वो काम 15 को तो मुख्यमंत्री महोदय ने सूचित करना था, वो उन्होंने एक तरह से आप सबको सूचित कर ही दिया है कि कम से कम 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे हरियाणा में, और उसमें सभी हमारी चाहे कोऑपरेटिव फेडरेशंस हों चाहे कॉरपोरेशंस हों उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो सेल किए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के MSMEs द्वारा जो प्रोडक्ट हैं उनको भी सेल किया जाएगा, उसमें ये भी हम कैसे कौन कौन आदमी खोल सकते हैं स्टोर उसकी पॉलिसी बना ली गई है, वो चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब ने एक फाइनल डिस्कशन रखी है, वो जल्दी ही शाया कर देंगे उसको, और उस पर त्वरित गति से काम चल रहा है। ठीक है।